आज ही के दिन 22 अगस्त 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की गई। कंपनी ने इसे एक जमीन के टुकड़े के तौर पर स्थानीय चंद्रगिरी के राजा पेद्दा वेंकटरैया से खरीदा था। आज ही के दिन 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए लगभग 2 साल और 7 महीने पहले 6ठी लोकसभा भंग कर दी थी। केंद्र में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने साल के अंत में आम चुनाव का आदेश दिया था।